हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो ये मेरा वीडियो है, ये बेसिकली मेरे पिछले वीडियो का एक फॉलो अप है जो मैंने एवरटीन मेंस नेचुरल कप के ऊपर बनाई थी। तो कुछ डाउट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी इस वंडरफुल सी चीज़ को यूज़ करके अपने पीरियड्स को फिक्स कर सकें, अपने पीरियड्स में आप किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो कप्स होते हैं ये 2 साइज़ में आते हैं बेसिकली। वैसे तो इसके 3 साइज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में इसके 2 साइज़ होते हैं। जो ये मेरे पास कप है ये एल साइज़ का है, और एक इनका जो कप अवेलेबल है वो एस साइज़ में है। तो ये इनकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये कितनी जो फ्लो होता है उसको ये अपने अंदर ले पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तो उसको किस साइज़ की ज़रूरत है। ये आपके सर्विक्स के साइज़ पर डिपेंड करता है। सर्विक्स को सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इस कप को लेने से पहले, उसी हिसाब से आप जो है अपने कप का जो साइज़ है उसको आपको तय करना होगा। फ्रेंड्स, सर्विक्स को चेक करने के लिए बेसिकली आपकी जो 2 फिंगर्स होती हैं इनका आपको इस्तेमाल करना होगा। इनको आपको अपनी सर्विक्स में डालना होगा बिल्कुल क्लीन करके, और जो शार्प नेल्स हैं उनको आपको कट करके इसको चेक करना होगा कि कितना ज़्यादा जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपके सर्विक्स में इंसर्ट हो रही हैं। उसी लेवल के हिसाब से ही आपको कप जो है वो परचेज करना होगा। सर्विक्स आप नॉर्मल डेज में चेक नहीं कर सकते, बल्कि जो पीरियड्स के डेज होते हैं, खासकर जो फर्स्ट या सेकेंड डे जो हैवी पीरियड के फ्लो का माना जाता है, तभी आपको सर्विक्स चेक करना होगा। तब भी आप एक्चुअल में अपने जो कप का जो साइज़ है उसको डिसाइड कर पाएंगे, और उसके बाद ही के साइज़ को परचेज कर सकते हैं। सेकेंड बात है फ्रेंड्स, जो आपकी एज है उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है। यूजुअली जो 30 एज है वो उसके आप कम है, आपकी एज उससे कम है या उससे ज़्यादा है, इस बात पे भी डिसाइड ये डिपेंड करता है कि आप जो कप ले रहे हैं वो किस साइज़ का होना चाहिए। या फिर आप एक मदर हैं, यानी अगर आपने अपने बेबी को वेजिनल बर्थ दिया है या जो नॉर्मल बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी से बर्थ दिया है, तो भी सर्विक्स के साइज़ उस पर भी डिपेंड करता है। अगर सी सेक्शन दिया है तो उसमें इसमें सर्विक्स में आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अगर वेजिनल आपने बर्थ दिया है, नॉर्मल डिलीवरी जिसको कहा जाता है, तो सर्विक्स से आपके ज़रूर इस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो थी 2 पॉइंट्स। आती फ्रेंड्स, कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो मटेरियल है ये कैसा होगा, और हम इसको यूज़ करने के बाद हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये सिलिकन से बना है, जो मेडिकल ग्रेड सिलिकन होता है, जो कि किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप इस तरह से भी पूरी तरह से सेफ हो जाइए कि आप जो ये एवरटीन का मेंसेचुरल कप यूज़ कर रहे हैं वो आपको किसी नॉर्मल प्लास्टिक का नहीं है, बल्कि सिलिकन ग्रेड से बना है, बिल्कुल टेस्टेड है, ट्राइड है। आप इसकी डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको कोई इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं रहता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि 1 या 2 साइकिल आपको यूजुअली लग जाएंगे इसका आदि होने में, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हम यूजुअली शुरू से ही हम पैड्स के जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसके आदि होते हैं, तो हमें इसकी आदत नहीं होती है। और सैनिटरी पैड्स को यूज़ करना शुरुआत से ही बहुत इजी होता है, इनको यूज़ करना एक बार तो आपको ट्रिकी ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार जब आप यूज़ करने लग जाएंगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। और ये पैड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर हैं, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक ये एक कप, ये एवरटीन का मेंसेचुरल कप आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, वॉश करके, सैनिटाइज करके, अच्छी तरह से गर्म पानी से इसको वॉश करके ये बहुत बार रीयूज़ हो सकता है। तो ये कितना इको फ्रेंडली, कितना बजट फ्रेंडली है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे डाउट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करने चाहिए। मैंने इसके पहले आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया था, तो कुछ डाउट्स थे जो रह गए थे, तो इनको आप ज़रूर देखिए। जो पीछे अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर और भी कोई डाउट है तो भी आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।